भाई ये अपने हरियाणा पुलिस के चयनित विद्यार्थी हैं और ये अभी धरने पे बैठे हुए हैं अपने यहाँ पे पंचकुला में सेक्टर 5 में धरनास्थल पे, और अपनी मांग रखते हुए कि भाई हमारी ज्वाइनिंग जल्दी से करवा दो। और हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग जो है 2019 में भर्ती निकली थी और इसको लगभग पूरे 4 साल हो चुके हैं और किसी न किसी वजह से ये डेट पे डेट मिल रही, तारीख पे तारीख मिल रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये अपनी मांग को रखते हुए यहाँ पे बैठे हुए हैं भाई कि जल्दी से हमारी ज्वाइनिंग हो जाए। तो भाई यही अपना मुद्दा होगा भाई, ज्वाइनिंग से अपना है। तो भाई ये अपने देखो सारे भाई बहुत परेशान हैं, कोई कहा है पड़ोसी मारा सतान ने, अब तो ज्वाइनिंग दे दो मानना है। वाह भाई वाह, हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग दो भाई, इनकी ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी सरकार सुनी जाए। और यहाँ पे देखो 6600 परिवार हैं एक तरीके से, इनका बहुत परेशान है बच्चे सर्दी में, यहाँ पर इतनी दूर से आए हुए हैं, कोई सिरसा से है, कोई अपने मेवात से है, कोई रेवाड़ी महेंद्रगढ़ से है, कोई भाई रोहतक से आ रहा है। हरियाणा पुलिस ज्वाइनिंग दो भाई, हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग करवाओ जल्दी से जल्दी। ये बालक जो है ना धूप में, बिल्कुल देखो कड़ी धूप में बैठे हुए हैं, अपनी बात रख रहे हैं, सरकार जल्दी से जल्दी हमारी ज्वाइनिंग दे। हम देखो कितने पीसफुली डिसिप्लिन वे में जो है पोस्टर के माध्यम से सरकार से ये कहना चाहते हैं कि अब हमारी ज्वाइनिंग दे दो, 4 साल हो गए इस भर्ती को, जल्द से जल्द जो है पूरी कराओ और हमारी जो है ज्वाइनिंग का नोटिस जल्दी से जल्दी निकालो। तो भाई सभी की, जितने भी भाई यहाँ पे आए हुए ना, सभी की मांग यही है कि भाई हमारी ज्वाइनिंग जल्दी से करवाओ, हम यहाँ पे मानसिक तनाव के शिकार हो चुके हैं। और ये हमारे जो कुछ साथी आए हुए ना, इनसे पूछते हैं भाई आपका भी कितने दिन हो गया आपको? 3 दिन हो गए आपको, 3 दिन यहाँ पे हो चुके हैं इनको। और ये कुछ गर्ल्स भी हैं, करीब 10-12 गर्ल्स हैं यहाँ पे जो रुकी हुई हैं, जो बाकी भी हैं, जो अभी अपनी जो है हरियाणा पुलिस में करीब 1100 लड़कियाँ हैं जो सिलेक्टेड हैं, उनके भी परिवार से भी सब परेशान हैं। और युवा जो है अपने भटक रहा है भाई बेरोजगार के लिए, तो अपनी इनकी ज्वाइनिंग देख के इनको जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग करवा के इनका भाई फ्री कर दो। और सरकार से यही निवेदन है कि इनका जो काम है ना जल्दी जल्दी कर दो। एक भाई ने लिख रखा है, नौकरी पाना एक तपस्या है और फिर ज्वाइनिंग लेना सबसे बड़ी समस्या है। तो भाई इन भाइयों का भी कहना दर्द बिल्कुल सही है, 2019 की भर्ती है ये और 2024 भी, मतलब इनका विचार पता नहीं 2024 तक जाने का है क्या, 2023 अब स्टार्ट हो जाएगा, 4 साल हो चुके हैं पूरी। तो यहाँ पे पंचवर्षीय योजना बना दी एक तरीके से, है भाई यही बात होगी। लेकिन अभी तक एक भर्ती पूरी ना करवा सकी है गवर्नमेंट। भाई देखो एक भाई ने रखा है, इतना ना तड़पाओ हमें सड़कों पर ना भटकाओ हमें। तो भाई ये एक भाई ने कर रखा, शोक नहीं मजबूरी है, प्रदर्शन करना जरूरी है भाई, इनके हक की आवाज़ आई है तो ये अपनी उठा रहे हैं भाई, सरकार को भी सुननी चाहिए। ये बच्चे जो हैं पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, कोई इन्होंने आज देखा हुआ एक वीडियो बनाई थी, अपनी सफाई का काम भी अपने खुद कर रहे थे, यहाँ पे जो भी है झाड़ू लेके लगे हुए थे अपने, तो अपनी कर्तव्य वाले समझने वाले बंदे हैं ये, तो इनकी आवाज़ जो है वो उठानी चाहिए सरकार को भी। और यही रिक्वेस्ट है भाई इनकी जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग करवा दी जाए। और तब तक हमें कैसे सफलता मिल सकती है? बिल्कुल सभी आए यहाँ पर, जितने भी अकेले की ज्वाइनिंग तो नहीं है ना, सभी की है, सारी बहने आओ और सारे भाई आओ, यहाँ पे पूरे 6600 पूरे होने चाहिए तभी ये काम हो पाएगा, ऐसे हमारे अकेले के करने से कैसे होगा ये काम। बिल्कुल भाई स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है, सभी के सभी आओ। क्या कह रहे थे आप? मैं तो यही बोल रही थी, आ जाओ बहन, आ जुड़ के रिक्वेस्ट कर, सबसे परेशान हो रहे हैं, आप भी परेशान हो रहे हो घर पे बैठ के, बस कमेंट करने का ही आप सोच रहे हो कि हमारा फर्ज बस कमेंट करना है, यहाँ पे आओ हमारे साथ बैठो तभी आप ट्रेनिंग के हकदार हो, ऐसे कैसे पुलिस की इतनी बड़ी जॉब को कैसे फिर डिजर्व करोगे? बिल्कुल भाई बिल्कुल, यहाँ बैठे हो हम यहाँ पे ठंड में बैठे हुए हैं। बिल्कुल आपको कुछ कहना है? तो भाई ये यहाँ पे देखो सब कुछ है, बच्चों ने बहुत परेशान है, इनका सुनी जाए जल्दी जल्दी। और यहाँ पर जितने भी साथी आए हुए ना, ये बहुत परेशान है, ये दो कईयों की तो एज भी निकल चुकी है और ये इसी भर्ती के आस में है कि हमारी जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग हो जाए, तो इनकी सरकार जो है जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग करवा दे। और ये जो है इतने परेशान हो चुके हैं भाई, इनको बार बार सड़कों पर मत भटकाओ, सर्दी में बाहर रहना ठीक है, घर से बाहर, कोई बेचारा मेवात से आया हुआ है, कोई महेंद्रगढ़ से है, कोई भाई सिरसा से है, बहुत दूर से आ रहे हैं। और कई साथी हैं जो बेचारे मतलब फाइनेंशियल भी बहुत वीक हैं और बहुत तो मतलब तकलीफ में है, लेकिन सुनो भाई इनकी, यूपी से आ रहे हो भाई? अरे भाई ये भाई देखो अपने यूपी से आ रहे हो भाई, कहाँ से यूपी में कहाँ से आ रहे हो? आगरा से भी भाई ये कह रहे हैं। और देखो भाई बहुत दूर से आ रहे हैं बालक अब, और कुछ बालक जो है ना जो हरियाणा पुलिस में लग गए, जो बिल्कुल पास के डिस्ट्रिक्ट है ना, वे घर से नहीं निकल रहे, और ये भाई देख यूपी से आ रहा है भाई, इसके लिए तालियां भाई बोलो भाई, इनका सुनी जाए सरकार से। मैं तो यही भाई, अगर ये वीडियो हमारी पहुंचती है सरकार के पास में, तो बस यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सरकार जो है जल्दी जल्दी हमें ज्वाइनिंग देकर हमें यहाँ पर फ्री कर दे। धन्यवाद।